इसमें और ऐड कर देता हूँ। नॉर्मली लगता है इसमें भाई कपड़े नहीं धुलते, देखें झाग वगैरह सब बन रहे हैं इसमें अच्छे। तो दो शर्ट हमने ऐड कर दिए, दो शर्ट के बाद भी इसमें मेरे हिसाब से जगह है, तीन से चार शर्ट अभी और आ सकती हैं जगह है। यानी जेंट्स का आप एक सूट और एक से ज्यादा आ जाएगा, दो कमीजें एक सलवार आराम से जेंट्स की आ सकती है। स्मूथ है यानी कि हिल नहीं रही है बिल्कुल भी, ना कोई साउंड कर रही है। अगर आप कमरे में रखते हैं कोई छोटे बच्चे घर में सो रहे हैं ना तो वो डिस्टर्ब भी नहीं डाल दी है मैंने। ये देखिए स्पीड वगैरह आप चेक कर सकते हैं इसकी, जैसे बड़ी वॉशिंग मशीन होती है बिल्कुल वैसी है, बस कॉम्पैक्ट सी है। आपने कहीं भी आपको बता दूं कि इसके वाट बहुत कम है मशीन के। हाँ। ये 90 वाट पे बनी हुई है, 90 वाट जैसे आपका एक फैन होता है ना। हाँ। तो इसलिए ना ये आपके यूपीएस वगैरह भी ऑपरेट हो जाएगी। अच्छा। और कोई समझेगा इसमें बहुत ज्यादा बिजली का बिल आना तो वो चीज भी इसमें आधी बाल्टी पानी और मजीद आ सकती जी जी है। बाकी इसमें फिल्टर भी दिया हुआ, ठीक है ठीक है ना। अब ये वॉशिंग हो रही है, देखें अभी थोड़ी देर चली है मशीन, एक मिनट भी नहीं चली होगी तो इसमें झाग वगैरह अच्छे बन गए। इसके अंदर अभी ना हम एक यानी कि शर्ट और भी डाल सकते हैं, इसमें इतनी कैपेसिटी है तो मैं डाल के भी दिखा देता हूँ। इसको देखिए आपको अगर कपड़े ऐड करने हो ना तो ये कैप निकालें, ठीक है, और सेंटर करके आपने ना कपड़े इसके अंदर डालना है। ये देखिए एक और यानी कि दो शर्ट देखिए आराम से आ गई। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जी हाँ, लेकर आई हूँ मिनी वॉशिंग मशीन का कंप्लीट रिव्यू, बाकायदा चला कर दिखाई है, कपड़े धोकर दिखाए हैं। तो जी हाँ, वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आप अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक किया करें। बहुत मेहनत से मैं वीडियोज़ बनाती हूँ, आप लोगों के साथ प्रोडक्ट रिव्यूज़ शेयर करती हूँ। जब आप प्लेलिस्ट में जाते हैं तो आपको फोल्डर मिल जाएगा प्रोडक्ट रिव्यू का, आप लाजमी जाकर देखें। इसके अलावा मार्केट वीडियोज़ भी आपको मेरे चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। जैसे कि सर्दियाँ आ गई हैं, सर्दियों में सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है कपड़े धोने की, तो बहुत ही पोर्टेबल सी है, अपने कपड़े भी आप धो सकते हैं, बच्चों के कपड़े भी धो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ये डो मेकर का कंप्लीट रिव्यू देखना चाहते हैं और इलेक्ट्रिक स्टोव्स की वैरायटी देखना चाहते हैं तो लाजमी जाकर देखें। इसी शॉप की वीडियो मैंने शेयर की है अपने चैनल पर और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके अलावा रिसेंटली मैंने अपने चैनल पर एक बहुत काम की वीडियो शेयर की है जिसमें आपको टॉप 5 स्मार्ट होम अप्लाइंसेज दिखाए हैं, सेल वीडियो है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको स्क्रीन पर दिख रही है और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, लाजमी जाकर देखिएगा। शॉप की सब डिटेल्स विद ऑनलाइन शॉपिंग आपको वीडियो में आगे मिल जाएगा, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दें। स्टार्ट करते हैं वीडियो। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई। सबसे पहले मेरे व्यूअर्स को शॉप का नाम और एड्रेस बताइए। देखिए शॉप का नाम है नदीम इलेक्ट्रॉनिक्स और एड्रेस है हमारा सदर में जहांगीर पार्क वाली गली के अंदर, डी लेफ्ट के बराबर में शॉप है नदीम इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम। ठीक है, तो क्या क्या वैरायटी होती है आपके पास? हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स होते हैं जिसमें बेबी वॉशिंग मशीन होती है, बड़े साइज की मशीनें होती है, एलसीडीज होती है, ब्लेंडर्स हैं, गीजर है हमारे पास। इसके अलावा अभी मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ आटा गूंदने की मशीन। न्यूली आई है, न्यू प्रोडक्ट हमारी लॉन्च हुई है जी पास के नाम से ये है, और कॉपर में इसकी मोटर होती है, 2 साल की इसमें वारंटी होती है और 3.25 kg कैपेसिटी है इसकी। सही है, इसको चलाकर भी पूरा दिखाने वाले हैं। इसका अनबॉक्सिंग करी हुई है मैंने, मैं आपको इसमें आटा डाल के इसमें बना के दिखाते हैं। ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग अवेलेबल है मेरे व्यूअर्स? ऑनलाइन शॉपिंग अवेलेबल। क्या तरीके का है? देखिए कराची के लिए ये होता है हमारा कैश ऑन डिलीवरी हो जाता है, आउट ऑफ सिटी के लिए एडवांस पेमेंट होती है हमारी। सही है, तो बस स्टार्ट करते हैं। जी जी ठीक है ना। और मिनी वॉशिंग मशीन भी आज हम दिखाने वाले हैं, उसका भी रिव्यू कर लेते हैं। चलिए बस दिखाने वाले हैं। नेक्स्ट मैं आपको दिखाने जाता हूँ बेबी वॉशर की मशीन जो है ना हमारी बेबी साइज के अंदर, इसका हम रिव्यू करते हैं पानी वगैरह डाल के, जो हमने आपको लास्ट वीडियो में जो दिखाई थी ना, ठीक है, पानी वगैरह डाल के चला के दिखा देते हैं। सही है, तरीके का पता चल जाएगा, कस्टमर को पता चल जाएगा, रिजल्ट भी पता चल जाएगा। सही है, देखिए हाफ पानी हमने डाल दिया था। जी जी, अब हम बाकी का डाल देते हैं। ठीक है, सही है जी, हमने पानी ऐड कर दिया इसमें। मॉडल नंबर क्या है इसका? मॉडल नंबर देखें इसके ऊपर मेंशन है 92020। सही, इसमें पिंक कलर भी आता इसमें है, इसमें दोनों कलर आते हैं, ब्लू भी आता है, पिंक भी आता है इसके अंदर। सही, चलें अभी हमने पानी ऐड कर दिया। इसमें ऑप्शन होते हैं, जैसे वॉशिंग करनी है तो ये वॉश का ऑप्शन है और स्पिन करनी है तो स्पिन ऑप्शन है। अभी बेसिकली हमें वॉश करना है तो हमने वॉश पे रखा हुआ, ये इसका टाइमर होता है, 15 मिनट का टाइमर होता है। अच्छा, ये टाइमर लगा दे सुकून से भूल जाए। और किसी को जैसे कि वाटर अगर इनलेट करना है पाइप से तो ये ऑप्शन भी इसमें दिया होगा। अच्छा, डायरेक्ट भी जाएगा, बाल्टी से ना डालना जाए, हम तो शॉप में कर रहे हैं ना। हाँ। अगर किसी का नलका लगा हुआ तो ये पाइप नल के पास ही आपने फिट कर दिया इसे, ये वाटर इनलेट का ऑप्शन भी इसमें दिया होगा। जबरदस्त, अब ये देखेंगे ऑपरेट हो गई है मशीन। सही है, ये सर्फ वगैरह जो है सर्फ वगैरह भी डाल देते हैं, पहले देख लेंगे। ये 1-way 2-way दोनों साइड चलती है मशीन, जैसे बड़ी वॉशिंग मशीन, बड़ी मशीन होती है, हर 15 सेकंड बाद जो है उसकी रोटेशन चेंज होगी, उसके हिसाब से इसका टाइमर उसमें लगा होता है ना। ठीक है, ये देखें भाई कॉम्पैक्ट सी है, कहीं भी आपने रख दी इजीली। ऑब्वियसली सर्दियां आ रही है, बच्चों के कपड़े धोने के लिए, या सिंगल अगर कोई रहते हैं बैचलर्स हैं उनके लिए भी अच्छे। हॉस्टल में देखें बड़ी मशीनें अलाउ नहीं होती ना, उन लोगों के लिए ज्यादा अच्छा, स्टूडेंट्स उनके लिए ज्यादा अच्छा, ऐसा ही है। चले जी, अब इसमें हम सर्फ, और अभी हमारे बच्चों के कपड़े थे हमारे पास है नहीं, तो हम बड़ों की शर्ट वगैरह, बड़ों से तो लोगों को ज्यादा अच्छा आइडिया हो जाएगा ना। कितनी स्पीड से चल रही है ये,
ये देखें पानी भी देखें हमने तो कम ऐड किया है, आप अच्छा खासा इसमें ऐड कर सकते हैं। देखें अभी एक लोगों को कैपेसिटी का आइडिया है कि इसमें तकरीबन एक बाल्टी पानी डाला हुआ है हमने और ये भी मशीन आधी बाकी है। सही देखें, लोग समझते ना कि बहुत छोटी होगी मशीन, इसमें एक बाल्टी पानी के बाद भी जगह देखें तकरीबन इसमें इतनी जगह है कि इसमें आधी बाल्टी पानी और मजीद आ सकती जी, जी, है। बाकी इसमें फिल्टर भी दिया हुआ ठीक है ना। अब ये वॉशिंग हो रही है, देखें अभी थोड़ी देर चली है मशीन, एक मिनट भी नहीं चली होगी तो इसमें जाग वगैरह अच्छे बन गए मशीन के अंदर। ठीक है, इसमें ये कपड़े डाल देते हैं, शर्ट डाल देते हैं, पहले एक डाल कर देखते हैं। ये देखें पहले एक डाल दी है मैंने, ये देखें स्पीड वगैरह आप चेक कर सकते हैं इसकी, जैसे बड़ी वॉशिंग मशीन होती है बिल्कुल वैसी है, बस कॉम्पैक्ट सी है। आपने कहीं भी रख ली है, अपने वॉशरूम में ही साइड में रख ली है, और सर्दियों में ऑब्वियसली थोड़ी सी लेजीनेस होती है। जो देखें फोल्डिंग मशीनें आ रही ना उसमें इतनी स्पीड नहीं होती मशीन, हाँ, स्पीड थोड़ी सी है, उसमें मोटर छोटी होती है, इसकी स्पीड ज्यादा होती है। ऑब्वियसली इसका साइज भी अच्छा है। और एक चीज मैं और आपको बता दूं कि इसके वाट बहुत कम है मशीन के, ये 90 वाट पे बनी हुई है, 90 वाट जैसे आपका एक फैन होता है ना, तो इसलिए ना ये आपके यूपीएस वगैरह पे भी ऑपरेट हो जाएगी, और कोई समझेगा इसमें बहुत ज्यादा बिजली का बिल आना तो वो चीज भी इसमें नहीं है। इसके अवार्ड भी मैं लास्ट में आपको दिखा देता हूँ, इसके बैक के ऊपर टैग है, उसके ऊपर लिखे हैं। झाग बगी देखें कितने अच्छे बन गए, वरना नॉर्मली लोगों को लगता है, मैं एक शर्ट इसमें और ऐड कर देता हूँ, नॉर्मली लगता है इसमें भाई कपड़े नहीं धुलते, देखें झाग वगैरह सब बन रहे हैं इसमें अच्छे। तो दो शर्ट्स हमने ऐड कर दिए, दो शर्ट के बाद भी इसमें मेरे हिसाब से जगह है, 3 से 4 शर्टें भी और आ सकती हैं, यानी जेंट्स का आप एक सूट और एक से ज्यादा आ जाएगा, दो कमीजें एक सलवार आराम से जेंट्स की आ सकती है। दूर से भी मैं आपको लुक चेक करवा रही हूँ कि इसमें स्पेस है अच्छी खासी, क्योंकि ये आधी है अभी भरी हुई। अब इसमें देखेंगे झाग कितने अच्छे बने हैं, ये स्पीड होती है ना मशीन की, उससे झाग बनते हैं इसके अंदर जबरदस्त। इसमें आपको दो कलर्स मिल जाएंगे, ऑनलाइन शॉपिंग अवेलेबल है, और अभी वीडियो देखते रहें, और भी बहुत सारी चीज़ें हम आपको दिखाने वाले हैं। ये देखें कॉम्पैक्ट सी है, इसका ड्रेन पाइप भी बना हुआ है बिल्कुल बड़ी वॉशिंग मशीन की तरह। अभी इसका देखें कवर भी ऐसा है कि इसमें से पानी बाहर नहीं आ सकता, देखिए आपने ऐसे बंद कर दिया, बिल्कुल स्मूथ है, यानी कि हिल नहीं रही है बिल्कुल भी ना, कोई साउंड कर रही है नहीं, नहीं बिल्कुल। अगर आप कमरे में रखते हैं, कोई छोटे बच्चे घर में है, वो सो रहे हैं ना, तो वो डिस्टर्ब भी नहीं होगा, बिल्कुल भी साउंड नहीं है, बिल्कुल साउंड नहीं है, क्योंकि अमूमन कस्टमर इसे कमरे में यूज करता है, कोई सो रहा है तो वो डिस्टर्ब भी नहीं होगा, बुरी भी नहीं लगेगी। देखें कितनी खूबसूरत सी है, छोटी सी, बच्चों का एक छोटी चेयर आती है ना, ये उसके साइज की मशीन है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये देखे आपने आराम से टाइमर लगाया, बंद किया, छोड़ दिया, खुद ही बंद होगी ना ये तो, टाइमर खुद ही बंद होगी। देखें ये टाइम जो मैंने लगाया ना, ये देखें लगा हुआ था, ये 12 पे था, ये काम होता जा रहा है, सही है, ये पूरा टाइम पूरा करके ऑफ हो जाएगी। अब आपकी मर्जी, आप टाइमर जितना भी लगाएं, इसमें वाटर इनलेट का पाइप भी है, ये यहाँ पे वाटर इनलेट हो जाएगा, ये टाइमर देखें 1 मिनट to 15 मिनट इसका टाइम दिया हुआ, सही है 15 मिनट तक आप, और ये सिलेक्शन दी हुई है इसके अंदर, ये वॉश है और स्पिन की है, बाकी हर चीज इसके ऊपर इसकी मेंशन हुई है। देखें कॉम्पैक्ट सी है, बड़ी खूबसूरत सी, देखें जैसे जैसे मशीन चलती जा रही है मजीद इसमें झाग बनते जा रहे हैं, जैसे बड़ी वॉशिंग मशीन में होता है वैसी। ठीक है, इसको चलते रहने देते हैं, हम बाकी चीज़ें दिखाते हैं, ठीक है। अब टाइम अच्छा खासा हो गया है, अब हमने जो है वो इसको देखें झाग वाग सब बने हुए, इसको ड्रेन कर दीजिएगा इसका पानी, मैं इसको ड्रेन कर देता हूं, बाकी ठीक है, टाइम इसका ऑफ हो गया है, सही 12 मिनट पूरा करके कर देते हैं, फिर जो है स्पिन आपको करके धुल गए हमारे कपड़े, अब हम स्पिन करेंगे। स्पिन बास्केट है, इसको पहले ना कपड़ों को इसमें पहले डाल लेंगे, इसका एक कैप होता है ये इसमें लगा के, क्योंकि मशीन में डालने के बाद ना फिर ये चीजें लगती ही नहीं ठीक, जिस तरह क्रॉस में डलेगी इसके अंदर, और ये जाके ना ये ऐसे लॉक हो जाएगा, बस हो गई लॉक, सही हो गई। उसके बाद जो देखें मैंने सिलेक्शन आपको बताई थी ना, ये आपने कर देनी है स्पिन के ऊपर, ठीक, और नॉर्मली स्पिन करने के लिए 5 मिनट का टाइम होता है, बेसिकली ये टाइमर दोनों चीजों में ऑपरेट हो रहा है, वॉशिंग के लिए 15 मिनट होता है, लेकिन स्पिन करना हो तो 15 मिनट का टाइम लगा नहीं लगाना चाहिए, तो उसमें आप ये 6 मिनट पे रख दें, और ये देखें ये स्पिन होना शुरू हो गई है, स्पिन होना शुरू हो गई, अजान हो रही है, हम थोड़ा खामोश रहते हैं, आप लोग स्पिन देख लें इतने, और एक चीज़ ये भी बतानी है कस्टमर को कि जब स्पिन हो रहा होता है ये पाइप आपने गिरा के रखना है, अच्छा हाँ, पानी जो वो निकलेगा, पानी जो निकलेगा ना वो ड्रेन हो जाएगा क्या, अच्छा इसके अंदर अभी ना हम एक यानी कि शर्ट और भी डाल सकते हैं, इसमें इतनी कैपेसिटी है, तो मैं डाल के भी दिखा देता हूँ, इसको देखिए कपड़े ऐड करने हो ना तो ये कैप निकालें, ठीक है, और सेंटर करके आपने ना कपड़े इसके अंदर डालना है, ये देखें एक और यानी कि दो शर्ट देखिए आराम से आ गई, इसके अंदर आ गई, इसके बाद भी इसमें दो शर्टें और आ सकती हैं, अच्छा कैप आपने लाजमी लगाना है, सही कैप इसमें लाजमी लगेगा, क्या कि ये कपड़ा चलते हुए बाहर ना, ये देखें लॉक कर देता है, ये बाहर नहीं निकलने देता, ओके, ओके। और ये देखें बास्केट भी इतनी लॉक है, देखें उठ नहीं रही है, ये देखें पूरी लॉक हुई है बस, ठीक है। अब ये इसको ऑन कर देते हैं, ये देखें देखिए स्पीड वगैरह आप चेक कर लें, टाइमर दिया हुआ है, स्पीड के अलावा कोई मजीद इसमें एक्स्ट्रा कोई वाइब्रेशन कोई साउंड कुछ भी नहीं है, यानी कि जैसे ये ढकना बंद हो जाता तो ये मशीन आपको हिलती भी नजर नहीं आएगी, ये चल रही है या नहीं चल रही है, बिल्कुल जीरो साउंड है, मैं क्योंकि खड़ी हूं मुझे पता है इसमें कोई साउंड नहीं है, देखिए टाइमर लगा हुआ है इसका, और ये देखिए ऊपर से भी आपको दिख रहा होगा,
कॉम्पैक्ट सी है, कहीं भी रख लें। सर्दियों में बड़े मसले होते हैं कपड़े वॉश करने के, इनलेट का भी पाइप है, आराम से आप निकाल भी आराम सकते से हैं। रूम में रख के यूज़ करें इसको, बालकनी में रख लें। पिंक कलर भी है उसमें और ये भी है, दो कलर्स हैं। मॉडल नंबर अच्छा भाई, इसके प्राइस अब बता दीजिए। देखिए इसके प्राइस हैं 10,500 रुपये। 10,500। अच्छा ये डिस्काउंट करके रेट हमने डाले हुए हैं, ये भी मैं इसलिए गाइड कर रहा हूँ कि कस्टमर हमें कहता है आप इसमें डिस्काउंट क्या देंगे। अब ऑनलाइन के अंदर ऐसा नहीं हो सकता कि हम आप उसको 12,000 रुपये बताएं फिर इसमें कम करें, तो ये हमने बिल्कुल कम करके रेट डाले हुए हैं। अभी तो रेट बढ़ रहे हैं, हो सकता है 1 वीक के बाद इसका रेट 11,000 या 12,000 तक चला जाए। ठीक है, चलिए आपने अच्छा वो पहले ही बता दिया ना, लोग कहते हैं वीडियो के बाद प्राइस बढ़ा दिए। और एक चीज मैं आपको दिखा दूँ की ये देखे इसका वारंटी कार्ड है, कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं है कि ये विदाउट वारंटी है, ये कंपनी का देखें ओरिजिनल वारंटी कार्ड है। कितने इयर्स की इसकी वारंटी है? 1 ईयर वारंटी है, प्लस देखें ये सर्विस सेंटर का नंबर तक इसमें ऐड हुआ हुआ है। सही, ठीक। और इसकी एक एक चीज लिखी हुई है। अच्छा एक चीज मैंने आपको वीडियो में बताई थी, इसके अवार्ड, अवार्ड एक ऐसा होता है ना, वीडियो बनाते हैं हम कुछ भी कहते हैं तो हम आपको जो चीज है हम आपको वो बता रहे हैं। इसके अंदर देखें इसके अवार्ड, देखें ये आ गया 90 वॉट्स इस पे, इसकी रेडिट पावर वगैरह सब लिखी हुई है। सही है ना, कोई इसका बिल नहीं आना, ये समझ लेंगे एक पंखे से भी कम वॉट ले रहा है। ठीक है, इसीलिए ये आपका नॉर्मली जो है ना ये यूबीएस पे भी ऑपरेट हो सकता है। अच्छा इसको खोलकर दिखा दें, शर्ट थोड़ी सी दिखा देंगे भाई, निकाल के भी दिखा देता हूँ। ठीक है, हमने पूरा टाइमर नहीं चलाई है जब, ये देखें ये बिल्कुल खुश्क हो चुकी है। ठीक है, ये भी दिखा देता हूँ आपको, दो शर्ट ये देखें, दो शर्ट है इसके अंदर, इसमें देखें पानी बिल्कुल भी पानी नहीं है कि कोई पानी टपक रहा हो या गिर रहा हो, नहीं नहीं ऐसा, इसको हल्की सी धूप लगाएं और इसको अलमारी में रख दें। सही है, बच्चों के तो काफी सारे कपड़े आप इसमें धो सकते हैं, कपड़े इसमें बच्चों के आ सकते हैं, वो छोटे छोटे कपड़े भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी रहेगी। डेली यूजिंग का जो एक सूट होता है ना वो कस्टमर आराम से वॉश कर सकता है, उसके लिए इसको पूरे जमा करने की जरूरत नहीं है, जमा करने की जरूरत नहीं है, पूरे 1 वीक के लिए कपड़े जमा करें, 50-60 फिर इसमें चलाए। इसके अलावा भी बहुत सारी इनके पास मिनी वॉशिंग मशीन की वैरायटी, वो आप पुरानी वीडियो आप जाकर देख लीजिएगा। जी जी, तो पुरानी वीडियो में तो सारी हमने डिटेल से बताई हुई है, तो एक रिव्यू हमारा ये था कि हम उसको चला के दिखा दें, जो कस्टमर हमारे आउट ऑफ सिटी हैं वो शॉप पे नहीं आ सकते तो वो इसको देख लें कि ये वर्किंग क्या कर रही है, क्या करती है। ठीक है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया।